सतना के मेहर में दो पक्षों में हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर बुलेरो कार चढ़ा दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई है। मेहर थाने के बाहर मृतक के परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया और हत्या का मामला दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाने का घेराव किया। रेलवे स्टेशन मेहर में कल रात हुए दो पक्षों में विवाद के दौरान टिब्बू चौधरी के खिलाफ मेहर में मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होते देर नहीं लगी थी कि कृष्णा होटल के सामने डिब्बू चौधरी पर अज्ञात व्यक्ति ने बुलेरो गाड़ी चढ़ा दी। घटना के बाद डिब्बू चौधरी को सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर सुनकर लोगों ने मेहर थाने का घेराव कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की। रेलवे स्टेशन में बीती रात दो पक्षों के विवाद और बाद में बुलेरो कार चढ़ाकर हत्या करने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शुरुआती जांच और परिवारजनों की मांग के बाद मेहर थाने में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दो नामजद हैं जबकि तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मामला यह है कि राज हलवाई का झगड़ा दीपू चौधरी वगैरह से हुआ था। इस बात को लेकर के राज हलवाई वाले पक्ष को भी चोट आई थी, जो इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी बीच बचाव करने के लिए प्रकाश सोनी वहां पर पहुंचा था। प्रकाश सोनी का दीपू चौधरी से विवाद हुआ। विवाद के बाद लोगों ने उन लोगों को अलग कर दिया, लेकिन इसके बाद प्रकाश सोनी राज हलवाई के साथ अपने तीन अन्य साथियों के साथ एक बुलेरो में आया और स्टेशन के पास प्रकाश सोनी ने दीपू चौधरी के ऊपर हत्या करने की नीयत से उस पर बुलेरो गाड़ी चढ़ा दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।